क्योंकि अगर हम केंद्र की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, पूछेंगे जवाब बेरोजगारी और महंगाई पर, तो हमें मालूम है इनके हथियार जो हैं, वो हथियार इनके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, जिसका अध्यक्ष जी ने जिक्र किया, 27 साल के कुशासन का जवाब लेने का समय है, तो अरविंद केजरीवाल की आड़ में मुद्दों से भटकाने के लिए अब रुपए पे विवाद छेड़ देंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण दिन है कि 137 साल के इतिहास की जो परंपराएं हैं उसको जिंदा रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का चुनाव होता है, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को, 6 करोड़ कार्यकर्ता हैं, 9000 से ऊपर डेलीगेट्स को वोट करके अपना अध्यक्ष चुनने को मिला। आज उनका शपथ हुआ है, उन्होंने अपने भाषण में खड़गे साहब ने साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति दिशा हमारी क्या है। उदयपुर नव संकल्प में लिए गए संकल्पों का जिक्र किया गया है, उसमें युवाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका क्या होगी उस पर जिक्र किया गया है। चुनौती के तौर में बिल्कुल सबसे पहला इम्तिहान हिमाचल और गुजरात के चुनाव इसी साल अभी होने वाले हैं, उसको सामने रखा गया है। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा इस देश के मुद्दों को लेकर किस तरीके से योगदान दे रही है और उसको उठा रही है, उसका जिक्र किया गया। मंच पे श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो रहा कार्यकाल, उसका जिक्र किया गया, उसकी तारीफ की गई कि किस तरह से उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 बार सरकार बनाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने कितनी कामयाबी से मनरेगा हो, आपका राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन जैसी बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो भूमि अधिग्रहण कानून जैसी बातें वो लेकर आए हैं। सो अब बिल्कुल है कि कांग्रेस के पास संगठन को मजबूत करते हुए देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई जैसी चुनौतियों से पार पाना है। आप सीताराम केसरी जी का भी समय याद करिएगा, उस समय भी पार्टी किस हालात में थी, लेकिन उन्होंने, मुझे याद है 1997 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती सोनिया गांधी जी से सीताराम केसरी जी ने अपील की, वो आई और उन्होंने साबित किया। आज वही चुनौती खड़गे साहब जी के सामने है, पर हम उठे हैं हर बार, इस बार भी हम उठेंगे और देश को भी उठा कर आगे लेके जाएंगे। आप, मुझे अच्छा है आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण है कि कभी नहीं हो सकता, ये गांधी परिवार के ही लोग बनेंगे देश की सत्ता में। पीवी नरसिम्हा राव जी, आपके मनमोहन सिंह जी, आपके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, और आज अध्यक्ष आप देख रहे हैं खड़गे साहब रहे, तो भाजपा खुद औंधे मुंह आकर गिर रही है। वो जो भी आरोप लगाती है उस पर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा। हमारी कोशिश है कि मुद्दे जो है वो देश के मुद्दे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन मुद्दों पर इन्हें घसीटेगी, लाएगी, जवाब देगी। खड़गे साहब ने अपने भाषण में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी जिक्र किया है, क्योंकि अगर हम केंद्र की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, पूछेंगे जवाब बेरोजगारी और महंगाई पर, तो हमें मालूम है इनके हथियार जो हैं, वो हथियार इनके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, जिसका अध्यक्ष जी ने जिक्र किया, यानी कि उन्हें मालूम है सामने क्या क्या हमारी अड़चने आ सकती हैं। और उन्होंने राहुल गांधी जी के जो शब्द हैं, दो डरो मत, उसका भी जिक्र करते हुए कहा है इस काफिले को हमें आगे इस देश के लिए ले जाना होगा, हम ले जाएं। वो कुछ भी कहते रहे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा था, रबर्ट स्टैम्प तो नड्डा जी, बताइए ना दूसरी बार अध्यक्ष का कब चुनाव हुआ, पर्ची आई संघ मुख्यालय से, नड्डा जी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, है ना, कहाँ है लोकतंत्र। चुनौती दे रही हूँ, दिल्ली की एक बीप टीम बैठी हुई है, उसको भी और भाजपा के को भी कराइए ना एक चुनाव, देख लीजिएगा क्या होगा आपके यहाँ पर। अच्छा। कितने फाड़ होंगे पता भी नहीं चलेगा। नहीं, रिमोट से तो केंद्र की सरकार चल रही है, संघ चला रहा है, अपने एजेंडे अपने मुद्दे पर चला रहा है, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आप बांटते हैं और उसके बाद जो है आप लोग जो है खुद चक्कर काटते हैं, संघ के लोग दरगाहों में जाकर मत्थे टेकते हैं, वहाँ पर बिल्किस बानो के आप जो है बलात्कारियों को रिहाई नहीं करते, गले में हार डालते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, देश देख रहा है और बेनकाब करने का काम हम करेंगे। उस आदमी से उम्मीद कैसे कर रहे हैं, दिल्ली नंबर एक बन गया, पंजाब नंबर एक बन गया, इंडिया नंबर एक बनाएंगे, और आज एक और विवाद लेकर आ गए हैं, रुपए में बदलाव होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये मुद्दा है देश में, रुपए पे कौन होगा या कौन नहीं होगा, किसका फोटो होगा किसका नहीं, मुद्दा ये है कि जेब में रुपया होगा या नहीं होगा, मुद्दा तो ये है कि आज जेब में रुपया नहीं है क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई है। अरविंद केजरीवाल मात्र इस तरह के
मुद्दों को बीच में लाकर भाजपा को बच निकलने का रास्ता देते हैं कि भाजपा को मुद्दों पर हम ना घेर सके, ना सवाल पूछ सके। ये कोई मुद्दा नहीं है जो आज केजरीवाल ने खड़ा कर दिया है। भाजपा की बीटी में कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी ये भाजपा तय करती है। हिमाचल की प्रभारी हूं, मीडिया 3 महीने से वहां हूं, अभी सीधा वहीं जा रही हूं। क्यों वहां से डब्बा गोल हो गया अरविंद केजरीवाल जी? क्योंकि ये फैसला आपका नहीं था, ये फैसला भाजपा का होता है कि आपको हिमाचल लड़ना या गुजरात लड़ना है। सारा पैकअप करके आप गुजरात ले गए और गुजरात को कैसे सांप्रदायिकता किया जा रहा है माहौल, ये आप भी देख रहे हैं। 27 साल के कुशासन का जवाब लेने का समय है, तो अरविंद केजरीवाल की आड़ में मुद्दों से भटकाने के लिए अब रुपए पे विवाद छेड़ देंगे। मैं पैदा भी नहीं हुई थी 1969 में, ब्लॉक के गुलबर्गा से ब्लॉक अध्यक्ष रहे, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है वो उन्होंने पहुंचे हैं वहां तक। एक लंबा उनका अनुभव है संगठन का, उतार चढ़ाव देखे, चुनौतियों से इस देश को और संगठन को जो है निकलते हुए। मुझे लगता है उनके अनुभव का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, संगठन को बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद। जाति से आते हैं तो मतलब देखिए, हमारे 9000 डेलीगेट में से 7000 से ऊपर ने उनको वोट दिया है। हम लोग ये नहीं देख रहे हो किस जाति से आते हैं, किस जाति से नहीं आते हैं। उनका लंबा अनुभव पार्टी के प्रति, उनकी निष्ठा ईमानदारी को देखते हुए हम सबको लगा कि वही बेहतर होंगे और लोगों ने वोट दिया। धन्यवाद।